शुभेंदु सिन्हा सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं उसमें हमने यूज किया है 4 5 पिन सॉकेट और एक स्विच। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने क्या यूज किया था, 3 सॉकेट एक स्विच, उसके पहले वीडियो में 2 सॉकेट और एक स्विच। आज हम बात कर रहे हैं 4 सॉकेट और एक स्विच का बोर्ड वायरिंग कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो सिंपल सा, जिस तरीके से मैंने बोर्ड बनाया उस हिसाब से डायग्राम भी ले लिया है। यहाँ पे मैंने 4 सॉकेट और एक स्विच ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंपल सा बात है, जब भी कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं हमारे पास 3 वायर आता है। कौन कौन सा वायर आएगा, पहला आएगा फेज का वायर, ठीक है, हमारे पास पहला आएगा फेज का वायर, दूसरा आएगा न्यूट्रल का वायर, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग का वायर। 3 वायर हमारा इस बोर्ड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, फिर क्या करेंगे इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो जो फेज का वायर इस बोर्ड में हम लेके आएंगे, हम 3 वायर लेके आएंगे, तो पहला फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो कहाँ लेके आएंगे, तो हमारा इस बोर्ड में फ्यूज नहीं है, ठीक है, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है, ना ही इंडिकेटर। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर हम लेके आएंगे वो डायरेक्ट हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इन करा देंगे। तो हम यहाँ से जो फेज का वायर आया उसको स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इन करा देंगे। तो हमारा फेज का वायर लाया और ये स्विच के नीचे टर्मिनल हमने कनेक्शन दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही स्विच से 4 सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं। जैसे ये स्विच ऑन करने से ये 4 सॉकेट यूज होगा, ऑफ करने से ये 4 सॉकेट का यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, 4 सॉकेट का एल टर्मिनल, ठीक है। हर सॉकेट में लिखा होता है एल एन और ये बॉडी अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एल लिखा हुआ वहाँ क्या करेंगे, हम फेज का वायर को लेके चल जाएंगे। तो हम ये स्विच से 4 सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे यहाँ पर जहाँ पे एल लिखा होगा, यहीं से एक लूप बनाएंगे यहाँ ले जाएंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे यहाँ ले जाएंगे, और यहीं से एक लूप बनाएंगे यहाँ ले जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे फेज का वायर, ठीक है, जैसे ये स्विच के नीचे टर्मिनल है फेज का वायर, हम ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो फेज करंट यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक ही साथ 4 सॉकेट में हमारा फेज करंट पहुँच जाएगा। तो इसके साथ इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे इस बोर्ड में, क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेकर। तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे है, तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रल का जरूरत हमको 4 सॉकेट में, 4 सॉकेट का यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ हर जगह फेज किया तो हर सॉकेट में न्यूट्रल भी चाहिए ना। तुम क्या करेंगे, न्यूट्रल ले जाएंगे किसी भी तरीके से ले जाइए, ठीक है, पहले यहाँ इन कराइए, यहाँ इन कराइए, यहाँ इन कराइए, कहीं भी आप एक जगह इन करा दीजिए। सपोज हम यहाँ से लेके आए, यहाँ पे इन करा दिया, यहाँ से हम एक लूप बनाए यहाँ दे दिया, यहाँ से एक लूप बनाए यहाँ दे दिया, यहाँ से एक लूप बनाए यहाँ दे दिया, तो क्या हो गया, न्यूट्रल करंट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, 4 सॉकेट में हमारा न्यूट्रल पहुँच गया। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको कहाँ पे है, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको सॉकेट का ये जो ऊपर टर्मिनल होता है यहाँ चाहिए। इस हिसाब से एक में फेज, एक में न्यूट्रल, एक में बॉडी अर्थिंग चाहिए। ये 4 सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वहीं एक जगह इन करा देंगे, सपोज यहाँ इन करा, यहाँ से एक लूप बनाए यहाँ पे, एक लूप बनाए यहाँ पे, एक लूप बनाए यहाँ पे, तो क्या हो गया, हमारा ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल में हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर आ गया। तो सिंपल सा हमारा डायग्राम में इस बोर्ड का यही है, ठीक है, फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का वायर लाना है। फेज का वायर आएगा स्विच के नीचे टर्मिनल में, ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा सॉकेट का चारों एल टर्मिनल में, न्यूट्रल का वायर लाके कोई भी एक टर्मिनल में देंगे, वहाँ से 4 सॉकेट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन भी उसी तरीके से हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हिसाब से डायग्राम बनाया उस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग करके देखते हैं। तो जो हम फेज का वायर लाएंगे वो कहाँ लाएंगे, तो वो ला रहे हम स्विच के ये नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर लाएंगे, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में से कनेक्शन हम दे देंगे। तो हमने क्या किया, फेज का वायर ये स्विच के नीचे टर्मिनल आया। अब क्या करेंगे, स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे ये सॉकेट में, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके जाएंगे सॉकेट का ये एल टर्मिनल, यहाँ से लूप बना के यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। इस तरीके से क्या करते हैं, हम एक पीला कलर का वायर लेते हैं, हम यहाँ से क्या करेंगे, लूप बाय लूप इसका कनेक्शन हम करते चलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फेजर काम कंप्लीट हो गया। ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से जो वायर हम लेके गए थे, ये 4 सॉकेट में हमने कनेक्शन कर दिया। ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर लेके सॉकेट का ये एल टर्मिनल, ये एल टर्मिनल यहाँ और यहाँ, ये क्या हो गया, हमारा फेजर काम खत्म हो गया। अब हम करेंगे न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल हम कहाँ लाए, तो न्यूट्रल हम यहाँ पे लाए, यहाँ पे हम कहीं भी इन करा सकते हैं। सपोज न्यूट्रल का कनेक्शन को कहाँ का चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, हम यहाँ भी इन करा के लूप करा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी एक जगह हम क्या करेंगे, कनेक्शन देंगे और वहाँ से हम वायर का एक लूप बनाएंगे और उसका कनेक्शन हम कर देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा न्यूट्रल काम खत्म हो गया। न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ पे लाया, न्यूट्रल का वायर यहाँ पे लाया, यहाँ से लूप बना के यहाँ पे, यहाँ पे लूप बना के यहाँ पे, यहाँ से लूप बना के यहाँ पे, जहाँ जहाँ न्यूट्रल चाहिए था सॉकेट का चारों टर्मिनल, चारों सॉकेट का एंड टर्मिनल में यहाँ न्यूट्रल चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, चारों में हमने न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया। अब हमारा क्या बच रहा है, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जो कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे,
उसको हम क्या करेंगे, बॉडी रिथम का भी एक वायर का लूप लेंगे और इसका भी हम कनेक्शन करते हुए चलेंगे। हमने क्या किया, बॉडी रिथम का भी जो कनेक्शन था, बॉडी रिथम का वायर का जो कनेक्शन था वो हमने कर दिया। ठीक है, बॉडी रिथम यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चारों में हमने कनेक्शन कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा डायग्राम और ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो हमने इसे कनेक्शन दे दिया, हम क्या करते हैं इसको चेक करके देख लेते हैं। तो हमारा क्या, एक ही स्विच से सारा सॉकेट का कनेक्शन हमने किया है। तो क्या करेंगे, एक एक करके सबको हम चेक करके देख लेंगे। ठीक है, एक सही है तो बाकी सबका कनेक्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। चलिए, इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।